बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत जिले के 125 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 28 व 29 जून को कराई गई, जिसमें कुल 111 लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हुई और 14 लोग अनुपस्थित रहे। काउंसलिंग में 57 पुरुष और 54 महिला अभ्यर्थी शामिल रहे। काउंसलिंग प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए बीएसए कार्यालय में 2 काउंटर बनाए गए थे, जहां अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया, जिसके संबंध में बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि 2 दिनों की काउंसलिंग में 125 के सापेक्ष 111 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया गया है। पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण की सूचना अलग से दी जाएगी, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थी नितेश श्रीवास्तव, डॉक्टर आस्था शुक्ला सरोज और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह ने कहा। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे ये ऑफिशियल? ये तो पहले से तो ठीक है, इसी पर सारी सूचना मिलती रहेगी, इसके सारा डिटेल मतलब अपडेट हो गया। पहले भी अपडेट थी? हम घर सब नहीं किए थे, बंद कर दिए थे मोबाइल चले गए। तो वही तो मूल पेपर है, आप मूल पेपर ही नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। आप जाइए ले जाइए, आप हमको एफिडेविट दे दीजिए। नितेश श्रीवास्तव, हम आए सिद्धार्थ नगर से। जी जी, काउंसलिंग हो गया। क्या कहना चाहेंगे? इतना जी, रहा आपका जी बहुत अच्छा ही रहा, पर हम लोग मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने तृतीय लिस्ट निकाली और हम लोग को मौका दिया। जी मेरा नाम डॉक्टर आस्था शुक्ला है। जी मैं यहाँ गोरखपुर दिव्य नगर में रहती हूँ। मेरा नाम नहीं, हमारी सरकार तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, जो भी है डायरेक्शन में अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए काम तो कर ही रही है। अब थोड़ा टाइम तो लगता ही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार जल्दी नियुक्ति देगी 1-2 दिन में। मेरा नाम है सरोज, मऊ से आए हैं सर। हो गया? हाँ सर। क्या कहेंगे काउंसलिंग सरकार से? क्या कहेंगे सरकार से? यही कहेंगे सर कि हम लोग की काउंसलिंग में देरी तो हुई, लेकिन थर्ड लिस्ट आई और हम लोग का चयन हो सका, ये बहुत, इसके लिए बहुत ज़्यादा हम खुश हैं और हमारा परिवार और सब लोग तो बहुत खुश हैं। इधर सर 69,000 वाले में 2 राउंड की पहले काउंसलिंग हो चुकी थी, उनको नियुक्ति भी दिया गया है और वेतन भुगतान भी किया जा चुका है। अब ये शेष बचे हुए जो पद थे उसमें गोरखपुर को 125 पद आवंटित हुए नवनियुक्त अध्यापक, जिसमें से 72 की काउंसलिंग कल हो गई थी, आज 53 की काउंसलिंग हो गई है और ये काउंसलिंग आज संपन्न हो जाएगी। उसके बाद नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है, जब शासन का निर्देश होगा तो उसके अनुसार।